काश हम जुदा ना होते, कभी अलविदा ना कहते। चाहा नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना। हम पास हो या ना हो हमें प्यार से बुलाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना। हम पास हो या ना हो हमें प्यार से बुलाना। जो आंगन में थी फूल वो लाती होगी, चुनते तो होगे कलियां। हम नहीं हैं तो फिर भी महफिल सजती होगी। सुनी न होगी कलियां, ऐसे में थोड़ी सी आंखें भर लाना। काश हम जुदा न होते, कभी अलविदा न कहते। चाहा नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना। हम पास हो या ना हो हमें प्यार से बुलाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना। हम पास हो या ना हो हमें प्यार से बुलाना। और हम आपको भूले भी नहीं है मोइन अख्तर, आप कोई भूलने वाली शख्सियत थोड़ी है। आज मोइन अख्तर को हमसे जुदा हुए पूरे 10 बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में उसी तरह जिंदा है। मोइन अख्तर को मैं बचपन से देखती थी टीवी पे, लेकिन बिलमुशाफा मुलाकात सन 2006 में हुई कि उन दिनों मैं अपने एक मीडिया साइकोलॉजी के थीसिस के सिलसिले में अपना एक प्रोग्राम करती थी, जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट बेस्ड शो होता था। उसी प्रोग्राम के सिलसिले में मोइन अख्तर का भी इंटरव्यू लिया, और उस प्रोग्राम में फिर मुझे मोइन अख्तर की शख्सियत के काफ़ी जो है नए पहलू देखने का मौका मिला। और फिर मोइन साहब से जो है गाहे बगाहे मुलाकात होती रही। पहले आप मेरे उस इंटरव्यू की एक झलकी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। नज़र आते हैं कुछ में, आपको खुश आमदेद। आज जिस शख्सियत का तारुफ आपसे करवाने जा रही हूँ, उसके तारुफ में जितने भी अल्फाज कहे जाएं कम हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि उन्होंने सूरज को चिराग दिखाने वाला शख्स नहीं देखा, तो मैं कहूँगी मैं हूँ। आज मुझे देखिए, मैं सूरज को ही चिराग दिखा रही हूँ। कहते हैं कि कुछ लोगों के मुकद्दर में शोहरत लिख दी जाती है, लेकिन हमारे आज के मेहमान ये शोहरत के मुकद्दर में लिख दिए गए हैं। शोहरत की खुशकिस्मती है कि ये शख्स उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। हमारे आज के मेहमान, उनके बारे में भी अगर ये कहूँ तो भी छोटे हैं। ये जो भी बोले अच्छे लगते हैं, ये यस सर नो सर कहते हुए भी अच्छे लगते हैं, ये लूज टॉक करते हुए भी अच्छे लगते हैं। क्या अब भी मुझे बताने की जरूरत है कि हमारे आज के मेहमान कौन है? मोइन अख्तर। वालेकुम अस्सलाम, आपने बहुत मेरी तारीफ कर दी। सर अभी भी मुझे लगता है कि मैंने कम की है। बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत इनायत, बहुत तारीफ की आपने, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, कैसा गुजर रहा है आजकल, क्या हो रहा है आजकल? भाई सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तमाम होती हुई उम्र में आजकल मशागिल क्या है? कुछ नहीं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, और प्रोग्राम ज्यादा करता नहीं हूँ। इत्मीनान से काम करता हूँ, मजे मजे से काम करता हूँ। दिल चाहता है तब काम करता हूँ, दिल नहीं चाहता नहीं काम करता। आइए मोइन अख्तर की कुछ यादें ताज़ा करते हैं। एक ऐसे नौजवान है मेरे यहाँ
जो जिनके तरकश में तीर हैं, कुछ तंज व मजाक है, शायद आपने पहले उन्हें देखा हो। आइए मिलिए उनसे, मुईन अख्तर साहब। माइक कुछ ज्यादा लाउड नहीं है, इसको बंद करवा देते हैं। अरे ये मेरे अब्बा हुजूर यहाँ खड़े हैं, मैं भूल गया था। आपने अभी क्योंकि ये बहुत डेंजरस कैरेक्टर हैं, अगर इनको दूर खड़ा रखना ऐसा है जैसे अपने दरवाजे पे पुलिस वाले को खड़ा रखना। मुईन अख्तर कहो किस हाल में हो, मुईन अख्तर कहो किस हाल में हो, बहुत उलझे हुए सुल्तान में हो, बहुत उलझे हुए सुल्तान में हो। यही बस इस सिमाही का है धंधा, यही बस इस सिमाही का है धंधा, कभी ये सर कभी नो सर है बंदा, कभी ये सर कभी नो सर है बंदा। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, इसलिए कप्तान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, इसलिए कप्तान हूँ। अरे अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब, बस यार अल्लाह दा शुक्र है तू सुना की हाल ने तेरे। कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब प्रवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना, ये जो सूट पहना हुआ है जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है और चलता चला जाता है। मैं कहाँ फंस गई। मृदंग बाजे तिरकते दुम तिरकते दुम ता था, मृदंग बाजे तिरक दुम ता था, न तक तुम तुम तत न छुम छुम छन न छुम छुम छन न कांत कांत कांता ता। अरे वाह ये तो कमाल हो गया, ये तान नहीं थी, ये तान सैन की कुछ करवट की तान थी। तो मेरे साथ गाएं, चले फिर। ओके ओके 1 2 3 मृदंग बाजे तिरक दुम ता था, न तक तुम तुम तत न छुम छुम छन न छुम छुम छन न कांत कांत कांता ता ता। मासूम बीवी मकार शौहर, बकौल शायर देखा जो तीर खा के कमीगा की तरफ, अपने ही शौहरों से मुलाकात हो गई। और देखने वालों मैं अभी खेल ज्यादा देर नहीं जारी रख सकती, मैं अब ये खेल नहीं जारी रख सकती। मैं रोजी की खातिर रोजी बन गई जी। फिर आप जाते जाते अपनी पसंद का कोई एक शेर सुना दीजिए। ऐ जिगर है मेरी हस्ती की हकीकत इतनी, ऐ जिगर है मेरी हस्ती की हकीकत इतनी, मुझ में आबाद हैं सब, मैं कहीं आबाद नहीं। मैं अपने इस छोटे से ट्रिब्यूट का इख्तिताम उस गाने पे करूंगी जो मोइन अख्तर अक्सर गुनगुनाते थे। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही हम है जहाँ,
अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। को हंसाने महरू दिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नर्क यहां, इसके सिवा जाना कहां। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहां, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहां। जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहां, अपने यही दोनों